resistor transformer, single phase transformer. Question number 18 in the master question paper. Question master question question number 18. ठीक है, ये दिया हुआ है कि फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज आर गिवन. व्हाट इज दैट? वीपी इज प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज ईपी इज प्राइमरी इंड्यूस्ड वोल्टेज. ES is primary or secondary induced voltage and VS is secondary terminal voltage. So four options were given in which चार option दिया होता है जिसमें polarity दिया होता है वोल्टेजेस का और डॉट्स दिया हुआ था. तो दिस वॉज बेस्ड ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डॉट कॉन्वेंशन. सो लेट्स एनालाइज द ऑप्शंस वन बाय वन. ऑल द ऑप्शंस. ओके, फर्स्ट ऑप्शन वाज बेसिक कोड वाज गिवन दिस कॉन्वेंशन फॉर ऑल द ऑप्शंस एंड आल्सो this was one. Okay, the dots, this is VP, this is EP, this is ES, this is VS, and the convention of dots was polarity was this plus minus, plus minus minus here, and plus minus dot was even here minus plus. So minus B was डॉट कन्वेंशन वॉज डॉट प्लस माइनस प्लस माइनस बी एस Yes, E, P, and D, P. So, minus, minus, dot, dot, sorry, dot, and plus, plus. Third option C was basically this was third option. Fourth option was okay, this was the circuit connections. This was circuit connections. Polarity was plus minus plus minus minus plus dot here and then minus minus plus plus dot here. This is V P E S and V E S. Okay, this is the four options. चार ऑप्शन ये थे. पहले दो लास्ट दो ऑप्शन तो ऐसे ही इलिमिनेट हो जाते हैं क्योंकि इसमें जो प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज प्राइमरी इंड्यूस वोल्टेज का पोलैरिटी अलग है जो कि हो नहीं सकता. इट कांट हैपन. इट इज कंसेप्चुअली रॉन्ग. इफ दिस हैपेंस देन आई मीन केवीएल विल बी वायलेटेड एंड ऑल्सो आई मीन
Lenz law will validate. The applied should oppose the induced should oppose the applied, right? So as the polarity of applied and induced that opposite, so these two options are already eliminated. Only at just by looking at it we can eliminate. बस देखने से हम लोग इसको हटा सकते हैं, इन दोनों ऑप्शन को सही नहीं होगा बता सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू अदर टू ऑप्शंस, बाकी दो ऑप्शन देखना पड़ेगा अच्छे से. बाकी दो ऑप्शन में क्या है, सपोज ये सही मानते हैं तो इसमें क्या है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होगा तो इंड्यूस भी वही होगा, अप्लाई करेंगे तो इंड्यूस वही होगा पोलैरिटी. तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा ऐसे, तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, राइट हैंड रूल विल बी क्लॉकवाइज. ओके नाउ इन द सेकंड मेरी डॉट कन्फ्यूजन इज दैट इफ करंट लीव्स फ्रॉम वन ऑफ द डॉट्स द करंट शुड इंटर थ्रू द अदर डॉट एंड वाइस वर्सा. इफ इट इंटर्स फ्रॉम वन ऑफ द डॉट्स इट शुड लीव एट द अदर डॉट, इफ इट लीव्स एट द वन ऑफ द डॉट्स इट शुड इंटर फ्रॉम द अदर डॉट. अगर एक से निकलता है तो दूसरे से अंदर जाना चाहिए, इससे क्या हो रहा है करंट इससे निकल रहा है तो दूसरे से क्या होना चाहिए, सिंपल अंदर जाना चाहिए, निकल रहे तो अंदर आना चाहिए दूसरे से, ठीक है. इससे निकल रहा है तो उससे अंदर आना चाहिए, इससे अंदर आ रहा है तो उससे निकलना चाहिए, इससे क्योंकि इससे निकल रहा है तो उससे अंदर जाना चाहिए, ठीक है. कन्वेंशन ये होता है डॉट का. तो ऐसे करके देखेंगे तो कंटिन्यूएशन कैसा होगा, ये अब क्या होगा इसका लास्ट रिलेशन देखा जाए तो ये भी क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल से क्लॉकवाइज दिस इज एडिंग द फ्लक्स ड्यू टू द प्राइमरी सेकेंडरी फ्लक्स एडिंग द प्राइमरी फ्लक्स व्हिच इज नॉट पॉसिबल, आई मीन बिकॉज लेंज लॉ विल वैलिडेटेड, टू वैलिडेट लेंज लॉ दिस इज दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल नॉट फिजिबल. सो कंसेप्चुअली दिस डजंट होल्ड, ये सही नहीं है, ये भी गलत हो गया. अब बी ऑप्शन में देखते हैं, इसमें सही है, प्राइमरी में जो इंड्यूस का पोलैरिटी है और अप्लाइड की पोलैरिटी सेकेंडरी में सेम है. बाकी अब देखते हैं करंट के डायरेक्शन से फ्लक्स डायरेक्शन वगैरह, तो करंट इससे क्या हो रहा है घुस रहा है, फ्लक्स डायरेक्शन क्या है इसमें राइट हैंड थंब रूल जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि करंट इससे घुस रहा है, इस करंट इज एंटरिंग थ्रू द डॉट्स इट शुड लीव एट द अदर डॉट. Okay, so this one, current direction of current is this. So due to this, secondary flux का क्या direction होगा? By right hand thumb rule it should be again it is aiding the primary flux, which is conceptually incorrect. I mean, it will violate Lenz law. By Lenz law it should oppose the cause. So the current direction of flux should be clockwise to oppose the primary flux, but it is anti-clockwise. So this aiding the primary flux in this condition, this is also not correct. So this option is also wrong. So all the options, as you can see, are wrong. सब गलत हैं. तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन मार्क्स को होना चाहिए. तो इन चारों में से सही क्या होना चाहिए वो डिस्कस करते हैं. गलत तो सबको बता दिया, लेकिन सही कन्वेंशन ऑफ पोलैरिटी एंड डॉट्स क्या होना चाहिए और पोलैरिटी और डॉट्स क्या होना चाहिए देखते हैं. लास्ट दो को मिटा दे रहे हैं क्योंकि इनका ये तो ऐसे भी रिलेवेंट नहीं है, अगर गलत है देखने से पता चल रहा है. बाकी लोग से कंपेयर करेंगे करना है ए और बी से, तो इसलिए इन दोनों को रखना है, इसको मिटा दे रहे हैं फटाफट. सो लेट्स ड्रॉ द करेक्ट वन विद ग्रीन कलर. सो लेट्स ड्रॉ द पोल. व्हाट शुड हैव बीन द करेक्ट डायग्राम कनेक्शन डायग्राम राइट वाइंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू पोलैरिटी एंड dots. Let's suppose this is plus. This is VP. This is EP. This is ES and this is VS. Let's suppose the dot is placed over here, okay? This is common to both. So I'm placing the dot over here, okay? So here what is happening? Current is leaving. Current is leaving. So
at the other, the secondary, the primary current is leaving the dot. So at the secondary current should enter the dot. And again, the direction of current will be this. So the flux will be clockwise, I think, A. Okay, and the secondary flux should be anti-clockwise. Validate Lenz law and make it correct. So the direction of flux will be this. And this is possible only when direction of current is this. Right? So by right hand thumb rule. Okay. To have this direction of current induced in the secondary winding, you should have the dot placed where current is leaving the one dot, should enter the from the other dot, right? Leaving, so enter. So dot should be placed here actually. Right. Right. Leaving one dot, so entering another through another dot. Okay. Like that, like that, like that. What should be polarity? Polarity should be such that current should be supplied by the secondary to the load. The load connected. So supplied means it should exit or leave the positive terminal of the secondary induced EMF or voltage. So it should be plus here and minus here. Okay. Same for BS. Another configuration is also possible. Let's go that also. Okay. इसमें suppose करते हैं कि dot ऊपर है. S plus VP VP is all okay. So current will again enter through this. Direction of flux will be again clockwise. It is anti-clockwise. The direction of flux should be, direction of current should be this. But now the current, the flux is, the current is entering through the dot. So at the other end, it should leave through the dot. Dot will be placed here, and here it should be ES. Here should be this. Polarity will be same, plus upward and minus downward. The positive upper, negative niche, jaise primary wise secondary mein jayega, aur flux ka direction hoga isme, iske primary ki wajah se clockwise aur secondary wajah se anti-clockwise, aur final direction ho jayega. To ye aur ye hona chahiye. Ye galat hai, aur ye bhi galat hai. Actually polarity, isme polarity agar sahi liya jaye, to dot conversion galat ho ja raha hai, aur dot conversion sahi liya jaye, to polarity galat ho ja raha hai. दोनों में से तो दोनों तो नहीं हो सकता एक साथ, तो दोनों चार ऑप्शन गलत है, और ये दोनों मेन हिसाब से सही होना चाहिए. कॉन्फ़िगरेशन और वाइंडिंग कनेक्शन एंड पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू पोलैरिटी एंड प्लेसमेंट ऑफ डॉट्स. तो ये था थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बेसिक ही था एकदम. किसी का कंसेप्ट अगर क्लियर होगा बेसिक तो वो कर देगा, लेकिन ऑप्शन से गलत दिया हुआ है, पता नहीं क्या सोच के गेट ऑर्गेनाइजिंग कमिटी ने सेट किया, गलत कर दिया सेट करने के चक्कर में, थोड़ा सा घुमाने के चक्कर में. और मार्क्स 12 होना चाहिए मेरे हिसाब से, शुड बी मार्क्स 12. लेट्स सी.